हे फूडीज, आज हम बनाएंगे चीज़ ग्रिल सैंडविच बिना ग्रिल मशीन के। मतलब हम ग्रिल सैंडविच बनाएंगे बट तवे पर बनाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सानिया शेख एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें कुछ सब्जियां अच्छी तरह से चॉप्ड कर लेनी है जो हमें सैंडविच में डालनी है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। आप और कोई सब्ज़ी भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं, फिर उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और फिर जब वो अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे हमारी बारीक कटी हुई प्याज और फिर उसे हल्का सा फ्राई करेंगे। एंड देन अब डालेंगे इसमें गाजर और शिमला मिर्च। इन द लास्ट इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और ऊपर से कवर कर देंगे। देन मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से कुक हो जाने देना है जब तक इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। एंड 5 मिनट बाद ये बिल्कुल कुक हो चुकी है अच्छी तरह से। इसे फिर से हल्का सा हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। देन लास्ट में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और फिर बहुत थोड़ी सी चुटकी भर सिर्फ कलर के लिए हल्दी पाउडर और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फाइनली लास्ट में इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है हमें स्प्रिंग अनियन यानी प्याज की पत्ती। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। एंड हमारा मसाला बिल्कुल टेस्टी सा बनकर रेडी है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा मेयोनीज। यहाँ पर हमें इतनी मेयोनीज डालनी है कि हमारा मसाला बिल्कुल सॉसी सा हो जाए। मैं यहाँ पर 2.5 स्पून डाल रही हूँ एंड देन अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब लेना है ब्रेड। यहाँ पर हम बताएंगे कि हम इसे ग्रिल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रेड में बीच बीच में चाकू से लाइन लगानी है लंबी लंबी। ध्यान रहे ब्राउन वाली ब्रेड पर ना लगे, सिर्फ बीच में लगाना है और दूर दूर पे लगाना है। ज़्यादा पास में लगाएंगे तो ब्रेड टूट जाएगा। एंड ध्यान रहे कि हमें बहुत हल्का लगाना है इसमें निशान, कि दूसरी वाली साइड पर निशान ना आए, सिर्फ एक ही साइड पर रहे। तो ऐसे हमें सारे ब्रेड पर लगा लेना है। अब हमें चाहिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट एंड सबसे चीज़ी इंग्रेडिएंट, हमें चाहिए चीज़। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अमूल चीज़। आप चाहें तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो उसमें मिक्स करके एक साथ डाल सकते हैं।
तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं और अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो स्लाइस वाली चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हमारी चीज़ बिल्कुल ग्रेट हो चुकी है। अब हमें हमारा मसाला चाहिए। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे, 1-2 चम्मच के हिसाब से। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या फिर स्किप कर दें। तो अब सैंडविच बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रेड। एंड जिस साइड हमने कट लगाया था, ध्यान रहे, जिस साइड हमने कट लगाया था उस साइड हमें सॉस नहीं लगाना है, उसके दूसरे वाले साइड पर लगाना है। तो पहले एक ब्रेड पर हम लगा लेंगे मेयोनीज़। देन दूसरे वाले ब्रेड पर हम लगाएंगे टोमेटो सॉस। सो अब एक ब्रेड पर हम लगा देंगे बहुत सारी चीज, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत चीज़ी सैंडविच बना रहे हैं। एंड देन दूसरे ब्रेड पर हम लगा देंगे इसका मसाला, फिर दोनों को बंद कर देंगे। अब सैंडविच को तवे पर ग्रिल करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक तवा, फिर उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसमें हम अपनी सैंडविच रख देंगे, फिर ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। एंड हमें तब तक इसे फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर करोगे तो ये पूरी ऊपर से सिर्फ जल जाएगी बट क्रिस्पी नहीं होगी एंड ना ही इसके अंदर की चीज़ मेल्ट होगी। तो इसी तरह से हमें अपनी सैंडविच को फ्राई कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं आपके सामने भी हमने सैंडविच को पलटा है एंड ये बिल्कुल ग्रिलर जैसी ग्रिल हुई है एंड कितनी ज़्यादा देखने से लग रही है, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ये। सो फटाफट से अब इसे कट कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट खा सकते हैं बिना कट किए, बट आपको इसका अंदर का टेक्सचर दिखाना है कि कैसा बना है। बट ये चीज़ जो इसकी है, मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं ऐड की है, इसलिए ये सिंपल सा टूट गई। बट सीरियसली ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि एक से तो मन भर ही नहीं सकता खाने के बाद। बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, इसका मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉसी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। सो फाइनली आप लोग भी बनाइए अपने घर पर, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को खुश करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।